आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उड़द की दाल और पालक मिक्स दाल बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उड़द की दाल बनाने के लिए यहाँ पे हमने उड़द की दाल लिया है, तो आज हम उड़द की दाल थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। तो ये उड़द की दाल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने एक कुकर लिया है, इसमें डाल के और जो इसको बढ़िया से धो लेते हैं। धो के फिर इसका बढ़िया दाल बना लेते हैं। सबसे पहले दाल को हमने कुकर पे रख के देखिए धो के बढ़िया से चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसको ढक के हम सिंपल तरीके से आगे सबसे पहले पका लेते हैं। दाल हमारी पक गई है, दाल को हमने बाहर उतार के कुकर को रख दिया है। तो इसके तड़का की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हम पालक की दाल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा। अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे लहसुन को मैंने कूट के बढ़िया से प्रयोग किया है। और यहाँ पे थोड़ा से अदरक का भी जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको भी कूट लिया है। थोड़ी सी यहाँ पे हम प्याज कटी हुई, बारीक कटी हुई प्याज है ये। थोड़े से लाल मिर्च हैं। तड़का भी और आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा से हम पका लेते हैं बढ़िया सुनहरे होने तक। तड़का हमारा हल्का सुनहरा कलर हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे हींग। हींग बहुत ज़रूरी है उड़द के दाल में, तो हींग जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे तेज पत्ता। अब इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे पका लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। तड़का हमारा बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है, तो हम पालक की दाल बना रहे हैं तो पालक तो डालना बनता है। तो यहाँ पे मैंने पालक पहले से बढ़िया धो के कट करके बढ़िया से रख लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह जब आप पालक की दाल बनाएंगे तो एकदम सरल भी रहेगा, बहुत स्वादिष्ट भी बनेगा। हमको दाल में डालने की ज़रूरत नहीं है, पालक को हम ऐसे ही आज बनाते हैं। ऐसे दाल जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिए बहुत बढ़िया परफेक्ट उधर दाल पक जाती है। इधर तड़का तैयार करिए, बढ़िया पालक डालिए, फर्स्ट क्लास अपना रेडी कर लीजिए दाल को। अब सब्जी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट बढ़िया दाल रेडी हो जाएगी। अब इसको बढ़िया थोड़ा 2 मिनट तक हम ढक के पका लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने पालक को बढ़िया से पका लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट पालक पक चुकी है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे जो हमने दाल पका के उड़द की रखी थी। तो अब इसमें इस डाल देंगे, थोड़ा ऐसे चला के ऐसे बढ़िया डाल देंगे, बहुत परफेक्ट। अब इसको थोड़ा ऐसे चलाते हुए 1 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं, ताकि ये आपस में बढ़िया मिल घुल जाए। अगर आपको कलर ऐसे नहीं पसंद है तो क्या करिए, इसमें थोड़ा कश्मीरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, तो कलर बहुत प्यारा आ जाता है उसमें। थोड़ा मुझे कम पसंद है तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं की हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट दाल बन गई है। हम क्या करते हैं, कभी कभी होता है कि हम पालक दाल में जो है हम पालक काट के डाल देते हैं, तो उसमें आटा ज़रूर लगाते हैं ताकि दाल जो है फटी फटी ना रहे। तो इस तरह दाल बनाइए, आपको आटा भी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब बहुत स्वादिष्ट दाल बनेगी, बच्चे आसानी से खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आटा भी अगर हम दाल में लगा देते हैं तो उसको भी बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो इस तरह की दाल बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट टेस्टी एकदम दाल बन के रेडी हो चुकी है, बिना आटा लगाए हुए। इसमें सब्जी का भी काम नहीं रहेगा, आराम से दाल चावल रोटी चटनी ऐसे बना लीजिए, खा लीजिए, बहुत परफेक्ट बन चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको 1 मिनट तक थोड़ा हम पका के बाहर उतार के रख देंगे।
दाल को हमने बाहर उतार के रख दिया, बहुत परफेक्ट पक चुकी है। इसमें थोड़ा से हम हरी धनिया डाल देते हैं तो इससे थोड़ा से और अच्छा स्वाद आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट दाल बनी है बिना आटा लगाए। जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे दाल बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर लिखा करिए हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। थैंक यू दोस्तों।